अंदर अकेले घर की सफाई कर रही हूँ, तुम यहाँ गप्पे लगा रहे हो? ये तुमने बहुत अच्छा किया है। घर की सफाई ना, नहीं, नहीं नहीं घर की सफाई करनी है, जो तुमने मुंह पे मास्क लगाया ना, ये वेरी गुड। परमानेंट क्यों नहीं करवा लेती, सिलवा लो कानों के साथ। तुम ना ज्यादा मत बोलो, ये झाड़ू ना सिर्फ जाले उतारने के लिए नहीं, मुझे पता है इससे तुम मेकअप भी कर लेती हो कभी कभी। जब मैं बड़ा तंग करती है सर मेरे को ये। जो पति हवा में उड़ते हैं उन्हें भी उतारने का काम करता है झाड़ू। ये एक तो तुम्हारे चक्कर में हाय 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 मायसेल्फ बिंदु, इनकी पत्नी। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड, गुड टू सी यू। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली ऐसी झाड़ू वाड़ू ऐसी आ गई, पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होके आ गई। हां तैयार होके आके तू बड़ा दिया मिर्ज़ा लगती है, तैयार होके आती है। तुम प्लीज बातें छोड़ो, मेरी हेल्प करो, अलमारी के उधर मेरा हाथ नहीं पहुंचे, वहां पे सफाई करनी है। तो जुबान से कर लो, वो तो कहीं भी पहुंचती है, तुम्हारी बहुत लंबी है, आ जाती परेशान करने हमें। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम, एक काम क्यों नहीं करते, तुम टेबल बन जाओ तो मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर चढ़ के ना फिर सफाई करूंगी। रोमांटिक गर्ल्स है ना गप्पू, देखा इसकी रोमांस की डेफिनेशन देख रहे हैं आप? तुम टेबल बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के जाले निकालूंगी। वाह व्हाट अ रोमांस, है ना? क्यों यही चीजें जब मूवीज में होती तब तो बड़ा अच्छा लगता है। अब बड़ा इसकी एक कोई हरकतें हैं सीना सर, मैं उस दिन डिनर पे ले गया, वहां पे लिखा हुआ था नाचोस 200 रुपए, ये आधा घंटा नाची। कहती लाओ मेरा 200 रुपया। मैम तुमने ना सिर्फ मेरा मजाक देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा तुमने। मैंने किसी ने देखा इसका मजाक आज तक? झूठ बोलती है। दिल ना किसी से लगाना। काम तुम इंटरव्यू खत्म कर लो फिर आके मेरी मदद करो। एक तो वो मेड को मुझे निकालना पड़ गया, दिया मैं मुझे मेरी मेकअप चुरा लिया सब। चुराया नहीं था, मैंने दिया था उसको। क्यों? मैं चेक करना चाहता था कि सामान में कुछ खराबी है या फेस में खराबी। आज तो सर आपको कितनी बार आप देख रहे हैं, मतलब एक टाइम था, एक जमाना था जब कॉलेज में प्यार में मेरी खूबसूरती पे ये आदमी शायरी लिखता था। मुझे अभी भी याद है जो तुमने पहली शायरी लिखी थी मेरे लिए। अच्छा, अर्ज करती हूँ तुम आओ तो जिंदगी में बहार आए, तुम आओ तो जिंदगी में बहार आए। अच्छा, तुम्हें देखते ही चेहरे पे खुमार आए। अच्छा, तुम भले ही रहते हो खफा खफा, मुझे तुम पर फिर भी बस प्यार आए। इसको थोड़ा मैं अपडेट करना चाहूंगा कि मेरे शो में चाहे अनुभव आए चाहे राजकुमार आए, लेकिन जब भी ये आए बड़े बड़े बुरे विचार आए, पता नहीं कैसा अजवाइन जैसा मुंह है, इसको देखते ही मुझे खट्टे डकार आए। धन्यवाद। आज ये कलर तूने क्यों पहना है पता? लग ही नहीं रहा तू मेरी बीवी, ऐसा लग रहा है जामुन नीचे गिर गया कहीं पेड़ से। जामुन इज गुड फॉर हेल्थ। और तुमने शादी क्यों की? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्यों की तुमने? मेरे साथ धोखा हुआ सर। मैं मेले में गया, वो रिंग नहीं डालता ऐसे साबुन पे, मैं साबुन में डाल रहा था, इसके पिता ने आगे मुंडी कर दी इसकी, और रिंग इसके इधर पड़ गया, बोलते अब तुम्हारी तुम्हारी, ऐसे हुआ। गलत हुआ है मेरे साथ मिलोट। मुझे आपको पता है ना, जब आप लोग आते तभी ऐसी बातें करते हैं, वरना अदरवाइज ये ठीक ठाक है ना अर्चना मैम? ये दिल से ठीक ही है। एक्चुअली लॉकडाउन में जब ये क्वारंटीन हुआ था और इसे सिम्टम्स आए थे, तब ये मुझे रोज मैसेज करता था, मिसिंग यू, आई लव यू, मुझे खाना खिला दो। और मेरी जुबान का टेस्ट चला गया था सर, पता नहीं था। उसके बाद कभी किया मैंने? टेस्ट चला गया, स्मेल चली गई, ऐसी वाहियात बातें करोगे ना एक दिन बीवी भी चली जाएगी। ऐसी बातें करने चली जाओगी? मेरे पास 3 और है, वो बोलूं मैं? तुम जाओगी नहीं, तुम हमेशा बोलती हो, तुम कभी नहीं जाती। ये इनकी माता जी है। मम्मी नमस्ते। माय गॉड, भीड़ वाले आए हुए हैं। सासुमा सासुमा बैठो इधर, एक तो मुंह से बड़ा जुड़ा कराती हैं आप, आइए इधर आके बैठिए आप। अरे रुको रुको, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, प्यार भरो नमस्कार मोदिया जी। हे भगवान, देखो कैसे भीड़ वाले, शांत भीड़। हाँ पढ़े लिखे लोग, एक बाहर देखो ऐसे बदतमीज लोग मुझे देखते चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। मम्मी तुम चोरी करके आई हो? अरे मैंने चोरी वोरी कुछ ना करी, ये देख मैंने रसम निभाई है वो दूल्हे की चप्पल चुराने की। अरे एक वो तो सालियां करती हैं। अरे तो मैं भी तो साली हूँ, जैसे ही मैं चप्पल लेके भागी दूल्हा खुद चिल्ला रहा था पकड़ो साली को पकड़ो। सच में लोग बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये एक गिलास घी पी के सोती है रोज। क्या दामाद जी, कल दूध खत्म हो गया था घर में,
घी भी तो दूध से ही बनता है, तो मैं घी पी गई एक गिलास, उसमें क्या है? हाँ, हाजमा ठीक होना चाहिए। ये मैं आपको अगर इनकी हरकतें बताऊँ ना सर, अभी होली गई ना और दूध वाला बर्तन लेके आया बेचारा, उसके पिचकारी डाल के ना दूध निकाल के करती। वो बोलता ऐसे कैसे कर सकते, कहती फिर वापस ले ले, फिर उसके बर्तन में डाल दिया। ये ऐसी बहुत मेरी बदनामी करवा रही है मोहल्ले में ये। वैसे राजकुमार बेटा, हाँ जी, कैसी है पत्र लेखा मेरी प्यारी बहू? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा? एक मिनट, आपकी बहू कहाँ से हो गई वो? अरे नहीं है बहू, इसीलिए तो जुगाड़ कर रही हूँ, रिश्ता जोड़ रही हूँ। वैसे मुझे पता है दामाद जी, जिस प्रकार की हमारी हरकतें हैं ना, आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं जब आप हमें घर से बाहर धक्के मार के निकालेंगे, तो आगे का जुगाड़ देख रही हूँ। बैठ के बोलो जो भी बोलना, फिर सांस फूल जाएगी, फिर बम्बल मारोगी। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, भुलवा दी ना लाइन। अरे वो तुम्हारी फिल्म आई थी ना ट्रैप, हाँ जी, उसमें जैसे तुम अपने घर में वो फ्लैट में कैद हो गए थे ना, हो गया था। अरे बिल्कुल वैसे ही। क्या? एक बार मैं भी कैद हो गई थी। कहाँ पे कैद हो गई थी आप? दो साल के लिए। कहाँ पर? आपको जेल हुई थी? जेल? अरे नहीं नहीं दामाद जी, एक्चुअली हुआ क्या था, याद आया, वो भीड़ में ना एक आदमी ने मुझे कहा सामने वाला जो है बहुत अमीर है, तो मैंने उसकी जेब में दोनों हाथ घुसेड़ दिए। अरे बाहर निकाला तो वो अमीर अमीर कुछ नहीं था, वो कमिश्नर निकला और उसने मुझे जेल में ठूस दिया। हाँ, वो तो शुक्र मनाओ भगवान की कृपा से इसके पापा जेल काट रहे थे वहाँ। तो उन्होंने सुरंग बनाई और उसमें से घुस के मैं बाहर निकली आई। तुम पापा को जेल में मिली थी? और तुझे क्या लगता है ऐसे आदमी से मैं जेल के बाहर ब्याह करती? तो फिर जब आप बाहर आए, फिर आपसे फिर कोई गलती हुई? अरे हाँ, वो क्या हुआ बिंदु, जैसे हम बाहर आए ना, हम दोनों से फिर एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई? अरे तू गलती हो गई, मेरे को तुमसे बात ही नहीं हो गया, तुम बेइज्जती करवाती रहती हो। चलो अंदर। अरे अरे अरे, जब ये कहती है ना चलो अंदर, मुझे लगता है बस ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, वो भी 24 घंटे। चलो अंदर, आओ अंदर। मेरा ये मानना है कि कपिल जो है वो उन हीरो में से हैं कि हीरो के बीच में अगर कांच का टुकड़ा भी डला हो तो वो हीरे की रुतबा पा लेता है। क्या बात है, क्या बात है। कांच का टुकड़ा कौन है वो बताओ पहले। कांच का टुकड़ा हम, तो मैं तो हीरो, मैं कांच का टुकड़ा हूँ। आप लोगों के रिफ्लेक्शन से कहीं ना कहीं हीरो के रुतबा मुझे भी मिल जाता है। राजकुमार भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जिस करेक्टर में ये जाते हैं अब पूरा उसमें रमे होते हैं, और सो प्राउड ऑफ यू भाई, बहुत बहुत कमाल के एक्टर हो आप। पिछले महीने इन्होंने नोरा फतेही के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया, मैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करता हूँ आपकी फिल्में देख के, उसमें मेरे को बड़ी जलसी हुई। क्योंकि म्यूजिक वीडियो मैंने भी किया टी सीरीज के लिए एक, लेकिन नोरा की जगह छोरा डाल दिया गुरु रंधावा, मैंने गुरु रंधावा के साथ किया। तो मेरे को खाली एक बात पूछनी थी भाई, ये नोरा के साथ वीडियो किया आपने, ये एनओसी लेनी पड़ती कहीं से? मतलब क्या है? भूषण सर के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम साथ में, तो उन्होंने कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो है राज, मैं चाहता हूँ कि तुम करो, और गाना क्योंकि हम सब ने सुना है इतना पुराना, अच्छा सेला दिया, एक कल्ट सॉन्ग है, तो उसका मुझे रिक्रिएशन बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो किया। लेकिन आपका भी मैंने देखा, आपका छोरा के साथ भी गाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नोरा है तो इसलिए अच्छा है, छोरा वाला भी अच्छा है वो, ठीक है। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा कि राजकुमार एक इंटेंस सीन में जहां आशुतोष सर इनको थप्पड़ मारते हैं, तो भाई आपको उस समय दिमाग में आया था कि जिस तरीके के वो एक्टर हैं वो भी अपने किरदार में पूरा घुस जाते हैं, और जिस तरीके के ये डायरेक्टर हैं बड़ा ही रियलिस्टिक तरीके से शूट करते हैं, एक सेकंड के लिए दिमाग में आया था कि कहीं ये इनको सच्ची ना कह दें कि हो जाए? सच में ही मारा था है? मैं मार नहीं रहा था, मैंने कहा मत करो, लेकिन ये इतने ईमानदार एक्टर हैं कि उन्होंने कहा सर मारिए, मैंने कहा मत करो, बोले नहीं सर मारिए, मैंने कहा मत करो, बोले नहीं मारिए, और फिर ये आ गए अनुभव जी, बोले कि जब वो कह रहा है। और
और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनुभव सर इतनी सीरियस मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, पर इनके सेट पे जितना मजा आता है ना, बिल्कुल। हम लोग शूट करते थे कुछ ऐसा 9 से लेकर 3:30 बजे तक, बिकॉज विंटर्स में शूट करते थे तो लाइट चली जाती है। उसके बाद ये लखनऊ में मंगाते थे वहाँ की फेमस चाट के काउंटर। अच्छा, इतना सुकून है इनके सेट पर ना कि आपको 7 घंटे का काम करना है और 3 घंटे की बहुत ही मजे करने हैं। अच्छा, मजे मजे में काम होता है तो आपने मजा किया तो लोग भी मजा करते हैं आपके काम को। तो ये जो चाट आती थी भूमि, भूमि चाट जाती गोलगप्पे पूरी तरह। तो दिया, आप भी खाती थी लखनऊ की चाट? इसका खाना कहाँ जाता है पता नहीं, ये सब खाती है और इसको मैं जानता हूँ पता नहीं कुछ 450 साल से ये वैसी है। तो जब भी इंस्टा पे कोई सुंदर फोटो लगाती है तो मैं इसको मैसेज भेजता हूँ कि पुरानी फोटो में क्यों डाल रही है। एक्चुअली कृतिका, आपने भी लखनऊ की चाट खाई? सर मैं तो वेट करती थी, बहुत ही कमाल की चाट थी एक्चुअली। अनुभव सर बहुत अच्छा खाना ढूंढ लेते हैं, कुछ रोज कुछ नया आता था सेट पे। अरे ढूंढ ही लेते हैं, इनके अपने ठेले हैं लखनऊ में। दिया, आपकी अनुभव सर के साथ ये चौथी फिल्म है आई थिंक, है ना? तो ये हर बार पेमेंट बढ़ा के देते हैं कि पिछली वाली पेमेंट रोक लेते हैं नहीं, और उसको वसूलने के लिए आपको अगली करनी पड़ती है? उसका वसूली कर रही हूँ। अच्छा। पहली बार जब इसने काम किया ना हम लोगों ने साथ में, बहुत सारे वीडियोस किए थे अपन ने 2000 में, क्या हुआ एक बड़ा छोटा सा रोल था 10 में। अच्छा जी। तो मैं कनाडा चला गया शूटिंग करने, इधर मेरे प्रोड्यूसर ने इसको पटा लिया कि हाँ तो वो कर ले। मैंने इसको कनाडा से फोन किया, मैंने कहा तू क्यों करी वो रोल, है उसमें कुछ नहीं, 2 सीन है, एक छोटा सा गाना है। तो उसने बोला मुझे पता है मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने कहा कर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।